आ गए सोनू बितना बाहर खेल रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी बजे सुबह के साथ आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह डुगू साहब उठकर पर्दे पास खेल रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है। ऊपर में देख रहे हैं जो सजाया हुआ है ना, ये देखते का जी। और हाँ, आज जो है रूबी कुछ ज्यादा खुश है, पता है क्यों? आज उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। पैकिंग तो पहले ही हो गया है, ये भी खुश है। ये देखिए मुंह छुपा रहे हैं अपना, ये देखिए जाई थी, ये बता रहे हैं जाई थी। हम कहाँ जा रहे हैं बता दीजिए, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताने वाले हैं, इनके बड़े मालिक बताएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो खुश कहाँ है, बस घर का जो काम है वो कर रहे हैं, तो इसीलिए तो सब कुछ रेडी पेडी हो गए हैं। कब आदमी आएगा और हमें लेकर जाएगा? अच्छा हाँ दोस्तों, हम भूल गए थे, आज ना मायके से कोई आने वाले हैं हमें और डुगू को लेने के लिए, तो बस उसी का सुबह सुबह तैयारियां कर रही हैं, झाड़ू पोछा फटाफट से कर लेते हैं। और खाना खाना चढ़ा दिए हैं, अब सुबह सुबह झाड़ू निकलेगा और झाड़ू से डुगू को मार बजेगा। लाइन कितनी नहीं है ना, बड़ा दिक्कत हो रहा है आज, भोस नहीं लाइन कटा हुआ है, वो आएंगे तो कहीं लाइन भी नहीं है। खाना में क्या क्या बनाया? खाना में क्या क्या, आपको क्या खिलाना है? आपके नैया से आ रहे हैं तो हमसे पूछ रहे हैं, बताइए। देखिए डुब्बू को इलायची चाहिए, सीपी इलायची लाना खाने के लिए, मत दीजिए। बेड पर है, बेड पर रखे हुए हैं, बेड पर है, इतना सारा दिया, इतना मीठा मत खिलाइए, इनको दिक्कत हो सकता है। कटोरी में कटोरी फेंका गया, बेड पर उछला गया, बच्चों का यही होता है। दोस्तों हम नहा धो के एकदम तैयार हो गए और जा रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए, आज बहुत सुबह सुबह आ गए हैं। बाबू के लिए जाए, कैसे लेके जाएंगे हम? अरे जा पाएंगे उसे, चलना है जी, रो मामा के लिए जाएंगे, बोल तो नहीं जाएंगे। पूरा पैर गंदा है इनका, दू सब आ गए हैं, गाड़ी पर बैठ गए हैं और बाप बेटे भी निकलेंगे। हाँ, एक मामा को लेने जा रहे हैं, एको एको सारे साहब को लेने जा रहे हैं, बांधते हैं इनको, इनको बांधे तो। हाँ देखिए अब कैसा है, अब बैठ गया बढ़िया ना। हाँ। आ गए हैं, वो फोन किए थे ना। हाँ। देखिए तो और कैसे कैसे और पीछे बांधिएगा ना, आगे बांधिए, आगे सोनू बितना बाहर खेल रहा है, बितना है। अब खाना पीना रेडी हुआ? बिल्कुल एकदम तैयार हो चुका है। क्या क्या बना खाना में? सरप्राइज है, सरप्राइज, ये भी सरप्राइज रहेगा, कोई सिंपल खाना बनाया है। क्या हो रहा है? ये तो मामा को नहीं चीन रहे थे, अभी नहीं जाना गोदी, भूल जा रहे हैं। गरम, 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 गरम। खाना लगभग में रेडी हो चुका है, नाश्ता पहले दे दीजिएगा, उसके बाद खाने का लिएगा। जलेबी लिया है, जलेबी दे दीजिएगा ये बाबू के लिए, डोसा है, मार भात खाते हैं, दाल नहीं छोके, दाल भी खाते हैं, भात फिर भुजिया मिल जाए उनको, गोभी का आलू का तो खाएंगे, वो अच्छा लगता है खाने में, लेकिन सब्जी सब नहीं खाते हैं वो, खाएंगे सिर्फ आलू, भी धो देंगे आलू तब इसी डालेंगे शुरू। अभी कहाँ है मामा खाते ना, अभी वो टीवी देख रहे हैं, पापा थोड़ा छान लेते हैं, तिल गरम हुआ था, दो दे दीजिए बाबू, जिले ही मांग रहे हैं खाने के लिए, दे रहे हैं इनको, तो मेरा खाना रेडी हो गया है, पर खाना लगा दीजिए, खाना लगा दीजिए, उनको नाश्ता दिए थे? हाँ नाश्ता दे दिए थे, ड्राई फ्रूट्स ये पापड़ खाएंगे, देख रहे हैं पापड़ को, सबसे पहले इनको थोड़ा हम जलेबी खिला लेते हैं, ये जलेबी खाना है, कैसे खाएंगे जलेबी, लीजिए उठाइए उठाइए जलेबी उठाइए, नहीं खाएंगे, नहीं खा रहे हैं, तभी ये जलेबी खा नहीं रहे थे और अभी देखिए कैसे खा रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं खाते हैं, मन फिर खाते नहीं, अब नहीं खाएंगे, हो गया खाए हुए, हम क्या बोले, कैमरा ऐसे ऑन किए बस,
पता नहीं इनको क्या है, जो भी कैमरा सामने क्यों नहीं खाते, दिखाते वो सीधा है, कुछ नहीं खाना है अभी पापड़, बस मन फिर खाना खोजते है। अभी थोड़ा सा पापड़ खा रहे, ये भी मन भर जाएगा तो ये भी नहीं खाएंगे। लीजिए थोड़ा सा ले लीजिए, अब नमक का डब्बा उठा लिए, हो गया खाए अंकल में, देख ना छोड़ दिए। अब जलेबी का चाहिए आपको, हमको समझ भी नहीं आता है क्या खाएंगे। चलिए वहाँ तो फिर को और राज हो जाएगा तो, अभी जो है जल्दी से खाना दे दीजिए, उनको मिट्टी में निकलना बोल रहे थे, हल्का ही निकलवा रहे हैं तो खाना भी निकाल दिए हैं। देखिए खाना में क्या बना है, सिंपल ही है, चिकन है सूखा, दाल है, चावल है और इधर है पापड़। लीजिए पानी दे दिए है ना, पानी दे दिए हैं, ढुकू मेरे गोदी में है तो नहीं। हम लोग चले, अब सोनू साहब भी तैयार हो गए, हम लोग चले फिर, अब बाद में जाइएगा है ना। सोनू का खत्म होगा मीटिंग, तो घुमा दीजिएगा कहीं आसपास, देखते हैं कहीं घूमने का जगह मिलेगा तो घुमा देंगे। बाय पापा बाय। बहुत बदमाश है ये, ये खाली हवा में दौड़ने से इनका नहीं देखते, दिन भर हवा में दौड़ना है, बालू पर खेलना है इनको, ठीक है डुगु बाय बाय पापा बाय बाय। इनका काम हो गया है और अभी हम लोग नारियल पानी पी रहे थे, राजभवन चलना घूमने, तो इतने दिन बाद आए हैं, बोले थे राजभवन का नाम सुने अभी तक देखे नहीं है कैसा है, तो आज इनको हम ना राजभवन घुमाते हैं, इसके बाद इनको कुछ खिलाएंगे। अभी हम लोग घूमने के लिए आए हैं, लेकिन तो लंबा लाइन है वो दिख रहा है पीछे और आगे तक लंबा लाइन अभी लगा हुआ है, बहुत लंबा लाइन है, आधा घंटा सुबह खाली लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, आधा घंटा ज्यादा लगेगा, लाइन है दिख रहा है लाइन है, हमारे कुछ व्यूअर्स मिल गए यहाँ पर, तो अभी हाँ पिज्जा चैलेंज किए हुए लंबा लाइन है, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं छोड़ी आता है, अगला बार देखा जाएगा कभी, और इतना लंबा लाइन में तो एक घंटा नहीं तो आधा घंटा प्लस खड़ा रहना पड़ेगा और क्या। चलिए हाँ शाम हो गया ना, हम लोग 3-4 बजे बंद कर देगा फिर, घूमने का मतलब ही नहीं बनेगा। ये राजभवन साल में सिर्फ एक बार खुलता है, वही फरवरी में, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, और अभी सीधे हम निकलते कुछ खाते पीते हैं तब घर निकलेंगे, उनको अभी लाई खाने का मन है। कौन सा नीचे भी है सब, यहाँ खोआ नहीं है जो है ये वाला, एक किलो दे दीजिए, और ये सब भी लेना है का 3 कोटी सोलह से है ना, वहाँ पर ये सब नहीं मिल पाएगा खाली में, 320 का होगा मीठा पैक, तो अब चला जाओ दवा लेना। दोस्तों हम अभी आ गए हैं चश्मा दुकान में, और मेरा चश्मा का पावर जो है ना पता नहीं शायद बढ़ गया है, तो बस चेक करा लेते हैं, आ रहे ना हम चेक करवा के बैठिएगा, तो चेक कराने के लिए अभी यहाँ पे हैं, चेक करने के लिए ना बैठे हैं, तो अभी मशीन से चेक कर रहे हैं, ऐसे पावर से चेक किया हुआ था लेकिन बोल रहे हैं कि सही नहीं है, अभी चश्मा चूज हो रहा है, देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ये वाला बोल रहे थे ना, नहीं कंफर्टेबल नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है आपको हम लोग को आते हैं तो शाम हो गया, देखिए 4:15 बज गया और इतना ज्यादा लेट हो गया हमें, सॉरी यूट्यूब फैमिली, हम भूल गए आपको खिलाने के लिए, क्योंकि यम्मी यम्मी लगा तो हम खाने बैठ गए, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले खा लीजिएगा, नहीं गलती हो गई, पा इनको पानी चाहिए, अभी खाए नहीं है, नहीं तीता लगेगा, छोटी छोटी तीता लगेगा, लीजिए पान पीजिए,
तीता लगा यमी यमी लगा यमी यमी। और सोनू साहब का भी नाइट ड्यूटी चल रहा है तो आज दिन को एकदम आराम नहीं कर पाए। डोग मामा साथे खेलिए के डोगू के इसे देखते हैं दूर से पहचान रहे हैं भाग रहे हैं। क्या हुआ के देखो के है के और इधर क्या हो रहा है कुछ कुछ और देख रहे हैं कुछ छूटा हुआ तो चीज ले रहे हैं। इनका तो एकदम पक्का वाला प्लान है इस बार जाना ही है तो जाना है बिल्कुल। और इनको नहीं जाना है डुबू यही रहेंगे पापा के साथ तो हम लोग दोनों घर पर रहेंगे बिल्कुल एकदम दोनों आप दोनों घर का रखवाली कीजिएगा। हम आते हैं घूमकर चलना डिब्बो छोड़ दीजिए इनको ए दिन भर से धूल धूल। हम लोग तो जा रहे थे राजभवन लेकिन सॉरी आपको नहीं दिखा पाया। राजभवन जा रहे थे हाँ बहुत लंबा लाइन था बिना लिए राजभवन जा रहे थे। नहीं तो तीन आदमी कैसे जाएगा यार तो दो आदमी थे हम लोग जा रहे थे वहाँ पर इतना लंबा लाइन था जबकि सोनू मना कर दे कि नहीं नहीं जाइए छोड़िए इतना लंबा लाइन में के खड़ा होगा बहुत लंबा लाइन बहुत लंबा लाइन था। हमको लगता है कि 300 मीटर दूर तक लाइन होगा उसके बाद मिलेगा एंट्री अंदर उसके बाद एंट्री मिलेगा और साल में सिर्फ एक बार खुलता है वो भी फरवरी में ही और लगता है कि कुछ दिन और होगा सात आए तो खुलता है 7 दिन लगभग कुछ 7 दिन लगभग 7 दिन 10 दिन जो कुछ खुले। तो इनको भी था कि भाई राजभवन कैसा होता है लेकिन बोले शाम हो जाएगा 3 बजे के बाद 4 बजे बाद मतलब बंद हो जाता है तो टाइम भी बहुत कम था और हम लोग को आप देखे इसी तरह जो हाँ काम से जो गए थे उसमें लेट हो गया फिर हमारा चश्मा दुकान गए वहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगा हम लोग को तो चश्मा हमारा जो था ना बहुत ज़्यादा हो गया था खराब हो गया था घिस घिस कर तो दिक्कत हो रहा था हमारा पावर भी सब बढ़ गया फिर। तो भी अब बातें कीजिए हम थोड़ा और कुछ पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं बस हो गया ज्यादा पैकिंग नहीं जरूरी है क्या जरूरी ज्यादा पैकिंग करने के लिए कपड़ा नहीं पैक किए थे ना इसीलिए उस दिन से तो... दो कपड़ा डोगो का डाल लेते हैं। और हाँ दोस्तों कितनी खुशी की बात है ना कि हमारे घर का 1 साल हो चुका है और 1 साल के अंतराल ही छोटा भाई पधार चुका है कितनी खुशी की बात होती है ना। और ये दिन तो हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे हमें ऐसा लग रहा था ये घर से कोई आया कितनी खुशी की बात होती। तो चलिए भाई आ चुका है तो भाई के साथ खूब मस्ती करेंगे और यहाँ से फिर घर की ओर चलेंगे। इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है घर का जाने के लिए हर कोई खुश होता है दोस्तों सही बात है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया चलिए तो भाई आ चुका है तो उसकी दिखादारी करने बहुत सारी चीजें डिश बनाए खिलाना है भाई को अपने हाथों से। क्या क्या बना रहे अभी कुछ प्लान नहीं किए हैं बस जब बनाएंगे तब दिखाएंगे आप सबको। डुगु साहब भी आगे उधर वो देखिए बोतल का फाड़ रहे ऊपर से अब बिल्कुल भी ये पहचान नहीं रहे बढ़िया से। नहीं 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 पहचान रहे हैं बस सोनू जैसे पकड़ रहा हाथ में बस घर हमारे भागने लग रहे हैं। इनका जो काम था सब फिनिश हो गया है अब इनका खाली जो काम बच गया है जो इनको जाने के लिए है। अरे ये कहाँ बोतल लेके बोतल लेके पूरा निकल के जा रहे हैं। मामा कहाँ डुगु मामा मामा रेस्ट कर बोल दिए पता नहीं क्या क्या बोले आए बैठे हैं बोले इनको पता है मामा है हाँ, पता है इनको। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा उदासी भी लग रहा था कि 1 साल हो गया घर का मालिक नहीं आया है तो कितना खुशी लगा जब वो आ गए घर में और 1 साल पर पता नहीं उनको ऐसा लग रहा था। और भाई आते ही बोल रहे हैं दीदी 2-4 रूम ना और बनवा लेते हैं क्योंकि आप लोग को दिक्कत वगैरह हो रहा होगा तो फिर बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बस उतना ही जो है अच्छा है और मालिक जी का है तो उनका बात सर आंखों पे। आई होप दोस्तों आज का यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें और फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे न्यू ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय।